आगरा कॉलेज में हुई हाल ही में कॉन्फ्रेंस होने से आगरा कॉलेज का नाम ही नहीं रोशन हुआ, बल्कि प्रोफेसरों का कहना है कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस से जितना प्रोफेसरों को फायदा होता है उससे कहीं ज्यादा छात्र छात्राओं को इस तरह के कॉन्फ्रेंस से फायदा मिलता है। आगरा कॉलेज में लगातार ये तीसरी कॉन्फ्रेंस है, दो कॉन्फ्रेंस ही बड़ी भव्य रही, तीसरी कॉन्फ्रेंस भी समाप्त हो गई है। लगातार किस तरह कॉन्फ्रेंस रही और ये क्या इसका उद्देश्य था कि तीनों कॉन्फ्रेंस इतनी लगातार साथ में की गई थी? अंशु जी, ये बताएं किस तरह ये कॉन्फ्रेंस आपके यहाँ कराई जा रही है लगातार आगरा कॉलेज में? देखिए, हमारे यहाँ अलग अलग सब्जेक्ट हो रही है। सबसे पहले तो हमारे यहाँ जूलॉजी डिपार्टमेंट में हुई, उसके बाद में हिस्ट्री डिपार्टमेंट में, अब स्टेट्स में। तो स्टेट्स में ये लोग करा रहे हैं, डॉक्टर दिग्विजय पाल सिंह जो कन्वीनर हैं, तो उन्होंने बहुत सारी थीम रखी है। उसमें हमारा भी मेन सब्जेक्ट है साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में कोई भी जो भी हम लोग रिसर्च कराते हैं उसमें स्टेट्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। जितने भी यहाँ पर हम लोग जो भी टेस्ट यूज करते हैं, जो साइकोलॉजी का टेस्ट, उसमें हम बिना स्टैट्स के कोई भी फार्मूला यूज नहीं कर सकते, ना उसकी कोई वैलिडिटी होती है, ना उसकी कोई रिलायबिलिटी होती है। तो इसलिए हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस है और इस तरह की कॉन्फ्रेंस हमें कॉलेज में ही हमारे में हो रही है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है और इस चीज़ का हम पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में मतलब जो प्रोफेसर हैं उनको तो खैर फ़ायदा होता है कि वो शिक्षा का आदान प्रदान करते हैं, जो छात्र हैं उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है सब चीज़ें? देखिए, ये सभी के लिए इसका बहुत बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि जो भी बच्चे रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के टाइम पर उनको बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्शन की जरूरत पड़ती है कि कितने डेटा फ्रॉड हैं, कितने सही हैं। कोविड के टाइम पर भी आपने देखा होगा, मेडिकल साइंस में भी या ह्यूमैनिटीज में भी, हर डिपार्टमेंट में आप ये स्टेट्स का बहुत बड़ा योगदान है। उसी की वजह से हम सही पता लगा पाते हैं कि कितने परसेंटेज ये चीज़ें हमारी फेवर में और कितने परसेंटेज हमारी ये चीज़ें फ्रॉड है, और उसमें आपका भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर मैम बात करें, 200 वर्ष आगरा कॉलेज पूरा कर रहा हो, ये बड़ी उपलब्धता की बात है कि उत्तर भारत में इतना विशाल और जो प्राचीन कॉलेज कोई नहीं है, इसमें इस तरह की कॉन्फ्रेंस कितना महत्वपूर्ण रोल निभाती है? इस तरह की कॉन्फ्रेंस से हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है, क्योंकि बहुत दूर दूर से और कई जगहों से यहाँ पर स्पीकर्स आए हुए हैं और उन्होंने अपने अपने पेपर प्रेजेंट किए और हमको बहुत सारी जानकारियाँ उन्होंने प्रदान की। तो स्टूडेंट्स को भी उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है, टीचर्स को भी मिल रहा है। और जैसे कल एक सर आए हुए थे एएमयू से, तो उन्होंने एक नया सॉफ्टवेयर डेवलप किया, तो उन्होंने उसके बारे में हम लोग को बताया, तो हमें नई नई चीज़ें पता लग गई। प्रोफेसरों ने बिल्कुल सही कहा, लगातार ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, जिस उम्र में हम ज्ञान को ले सकते हैं और कभी भी ले सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और आगरा कॉलेज में जिस तरह से 200 वर्ष पूरे होने पर इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रोफेसर के साथ साथ छात्र छात्राओं के लिए भी इससे लाभ पहुँचेगा। कैमरा इकबाल के साथ लक्ष्मीकांत सिंह, सी न्यूज़।